हाँ तो देखो, शायद पूरी जिंदगी इंतजार करने के बाद आखिरकार नोवे होम 16 तारीख को आ रही है, और उसी दिन सब चीजों का खुलासा भी होने वाला है जिनके लिए हम हजारों थ्योरीज और स्पेकुलेशंस बना के कब से बैठे हैं। तो देखो किसकी किसकी थ्योरी सही जाती हैं और कौन कितना ज्यादा डिसअपॉइंट होता है, क्योंकि बहुत बार ऐसा भी होता है कि ऐसी मूवीज लोग बिना सोचे समझे देखने चले जाते हैं, और क्योंकि उन्होंने पुरानी मूवीज नहीं देखी, उन्हें पहले की स्टोरी नहीं पता और हमारी तरह उन्होंने सारी चीजें फॉलो नहीं करी हैं, और ऐसे में जब वो मूवी देखने जाएंगे तो उन्हें बहुत सी चीजें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि वो तो सिर्फ स्पाइडरमैन को देखने गए थे, डॉक्टर स्ट्रेंज कहाँ से आ गए इसमें। तो इसीलिए आज हम इस वीडियो में उन सभी चीजों के बारे में बात करने वाले हैं जो तुम्हें नो वे होम देखने से पहले पता होनी चाहिए, ताकि तुम मूवी को फुल्ली इंजॉय कर सको और अच्छे से समझ भी सको। वेल तो हे गाइस, माय नेम इज यश पांडे, यू आर वाचिंग द मल्टीवर्स टॉक्स, लेट्स बिगिन द स्पाइडरमैन नो वे होम रीकैप। तो देखो, हम इसमें उन चीजों के बारे में नहीं बात करने वाले जो नो वे होम के स्टोरी से रिलेटेड नहीं है, जैसे पुराने लीक्स या फिर र्यूमर्स। हम स्टार्ट करते हैं मूवी की कास्टिंग से, जो डेफिनेटली तुम्हें पता होगा लेकिन फिर भी सुन लो। तो टॉम ज़ेंडाया जेकॉब के अलावा मेरिसा यानी कि आंट मे, विलियम डेफोए यानी कि ग्रीन गॉबलिन, अल्फ्रेड मोलिना यानी कि हमारे डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, जेमी फॉक्स जो है इलेक्ट्रो, थॉमस हेडन चर्च हमारे बचपन वाले सैंडमैन, बेनेडिक्ट कम्बर बैच इन्हें तो तुम जानते ही होगे, राइस इफांस जो लिजर्ड बने थे द अमेजिंग स्पाइडरमैन में। इनके अलावा सपोर्टिंग कास्ट में हैं बेनेडिक्ट वोंग जो वोंग ही हैं, जेके सिमंस यानी कि जे जोना जेम्सन, जॉन फेवरू यानी कि हैप्पी होगन और टोनी रेवलोरी हमारे फ्लैश थॉम्सन, ये लोग भी देखने को मिलेंगे मूवी में, और बाकी लोग बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है तुम्हारे लिए। लेकिन अगर मैं अपने अंतरात्मा के सुन के बताऊँ तो टोबी मैगुआयर, एंड्रू गारफील्ड और चार्ली कॉक्स भी हमें इसमें दिखेंगे, और अगर ऐसे मेफिस्टो के सूत्रों की सुने तो बैटमैन भी आ सकता है। कास्टिंग से आगे बढ़ते हैं ये एक्टर्स लोगों के कैरेक्टर्स पे। अब स्पाइडरमैन की मूवी है तो पीटर पार्कर, एमजे, आंट मे तो मिलेंगे ही, हाँ अंकल बेन का कोई अता पता नहीं है, ना पहले कभी था, मतलब एक फोटो तक नहीं दिखाई गई हमें अंकल बेन की, लेकिन क्या फर्क पड़ता है। इसके अलावा नेड और डॉक्टर स्ट्रेंज भी हैं, और डॉक्टर स्ट्रेंज का मूवी में एक बहुत ही मेजर रोल होगा। फिर हम अगर विलन्स पे बढ़ें तो इसमें एक तो नहीं 6 विलन्स हैं, और उनके ग्रुप को सिनिस्टर 6 कहा जाता है, जिसमें से सबसे पहले हैं डॉक्टर ऑटो ऑक्टेवियस, फिर ग्रीन गॉबलिन, इलेक्ट्रो, सैंडमैन एंड लिजर्ड। अब हाँ, ये 5 ही विलन्स हैं, 6th विलन कौन होगा इसकी कन्फर्मेशन नहीं है, मतलब टोबी और एंड्रू से भी ज़्यादा सीक्रेसी इसकी बनाई गई है, लेकिन सबसे ज़्यादा चांसेस हमें मिस्टीरियो के ही लगते हैं। और अगर अभी तक तुम ऐसे हिमालय की पहाड़ियों में जाके अकेले बैठे थे तो बता दूं कि एमसीयू में मल्टीवर्स खुल चुका है, जिसके चलते अलग अलग यूनिवर्सेस से लोग किसी भी दूसरे यूनिवर्स में ट्रैवल कर सकते हैं या फिर अनजाने में टेलीपोर्ट भी हो सकते हैं। और ऐसा ही कुछ इन सारे विलन्स के साथ भी हुआ है, जहां टोबी मैगुआयर वाले यूनिवर्स से डॉक्टर ऑक्टेवियस, सैंडमैन एंड ग्रीन गॉब्लिन इस वाले यूनिवर्स में आ टपके हैं, और एंड्रू गारफील्ड वाले स्पाइडरमैन यूनिवर्स से इलेक्ट्रो एंड लिजर्ड। अब लेकिन इनके यहाँ पे आने के बाद क्या होगा, मल्टीवर्स खुला कैसे, इन सब के लिए हमें मूवी की स्टोरी पे बढ़ना होगा, और अगर नो वे होम के ट्रेलर और टीजर्स की सुने तो उसके हिसाब से मूवी में सब पीटर की आइडेंटिटी जान चुके हैं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है, और उसके हाथों मिस्टीरियो का मर्डर भी हुआ है, मतलब ऐसा मिस्टीरियो ने जानबूझ के किया है, और क्योंकि पूरी दुनिया अभी तक मिस्टीरियो को एक हीरो ही समझती आई है, इसीलिए अब स्पाइडी सबकी नजरों में एक क्रिमिनल बन चुका है, और अब डेफिनेटली पुलिस तो अपना काम करेगी, तो वो लोग लग जाते हैं इन्वेस्टिगेशन में, और पीटर के साथ साथ उसकी आंट मे, एमजे, नेड सबसे सवाल किया जाता है, जिनको पीटर कभी भी नुकसान नहीं पहुंचने देगा, और इन्हीं सब चीज़ों से परेशान होकर हमारा पीटर मदद मांगने जाएगा डॉक्टर स्ट्रेंज के पास, जो पूरी दुनिया की याददाश्त मिटाने के लिए कि सब भूल जाएं कि पीटर पार्कर ही स्पाइडरमैन है एक मंत्र मारते हैं, लेकिन उस मंत्र में गड़बड़ होने की वजह से मल्टीवर्स के साथ खिलवाड़ हो जाता है, और तब ये सारे विलन्स एमसीयू में आ जाते हैं, और टॉम हॉलैंड वाले पीटर पार्कर को अपना पीटर समझ के ये लोग उसके गंदे वाले काम डालने की कोशिश करते हैं, और उनसे लड़ने में स्ट्रेंज भी पीटर की मदद करेंगे ऑफ कोर्स, जहां वो शायद इस बॉक्स की हेल्प से उन सभी विलन्स को उनके घर भेजने की कोशिश करेंगे, लेकिन वो पीटर को बोल देते हैं कि इन सभी की किस्मत में स्पाइडरमैन से लड़ाई के दौरान मरना लिखा है, और पीटर समझ जाता है कि अगर इन विलन्स को इनके घर भेजा तो वो मर जाएंगे वहां जाके, और इसीलिए पीटर वो बॉक्स डॉक्टर री से छीन लेता है।
अब बताऊं तो इसके बाद से स्टोरी हमें नहीं पता, इवन इन सब सीन्स के बीच में क्या होगा हमें वो भी नहीं पता, वो डेफिनेटली मूवी में ही पता चलेगा। और जहां तक बात है टोबी और एंड्रू के आने की, तो इसके बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि वो दोनों मूवी के सेकंड हाफ या फिर मूवी के लास्ट 30 या 40 मिनट्स में आए, जब पीटर एकदम हार मानने की कगार पे पहुंच चुका हो। और इनके अलावा चार्ली कॉक्स वाले मैट मर्डॉक के अपेयर होने के चांसेस भी काफी ज्यादा हैं, जो सब सोच रहे हैं कि मूवी में पीटर का मिस्टीरियो मर्डर केस लड़ेंगे। और अगर ऐसा हुआ तो बता दूं कि सिर्फ मैट मर्डॉक ही दिखेगा। फिर अगर हम मूवी की बाकी चीजों के बारे में बात करें, तो जिस हिसाब से मुझे लगता है उससे ये मूवी डॉक्टर स्ट्रेंज इनटू द मल्टीवर्स ऑफ मैडनेस के प्लॉट को भी सेटअप करेगी। और तो और, ट्रेलर्स में हमने देख लिया है कि डॉक्टर ऑक्टेवियस पीटर के नैनो सूट को अपने आर्म्स में अब्सॉर्ब कर लेते हैं, जो देखा जाए तो टोनी स्टार्क का माल है। और इलेक्ट्रो के सीने पे भी हमने आर्क रिएक्टर को देखा है, और वो तो बच्चा बच्चा जानता है कि किसका हार्ट है। और ये सभी टोनी स्टार्क का माल गलत हाथों में पहुंचा हुआ है। और ऐसी ही चीज हमने आर्मर वॉर्स के लिए भी सुनी है कि क्या हो अगर स्टार्क टेक गलत हाथों में पहुंच जाए। तो हो सकता है यहाँ से ये लोग आर्मर वॉर्स की कहानी को भी सेटअप करें। इसके अलावा हमें आने वाली मॉर्बियस और वेनम 3 के भी हिंट्स मिल सकते हैं, लेकिन इनके चांसेस बाकी चीजों के सामने थोड़े कम हैं। और बता दूं कि मूवी 2.5 आवर्स की होगी और इसमें 2 पोस्ट क्रेडिट सीन्स हैं, तो उनको देखे बिना हिलना मत थिएटर से। और इस वीडियो को भी यहाँ से लाइक किए बिना मत हिलना। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो सब्सक्राइब कर दो चैनल, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दो वीडियो। मेरा इंस्टाग्राम और ट्विटर हैंडल तुमको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो जाके मुझे वहाँ पर्सनली फॉलो कर लो। एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।